उधर बड़ी खबर आई, गाजा में हमास से जंग लड़ने उतरी इसराइल की यहलोम यूनिट से जुड़ी। यहलोम यूनिट ने गाजा में हमास के लड़ाकों का एनकाउंटर तेज कर दिया। इस यूनिट ने हमास के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। इसराइल की सेना ने जानकारी दी कि उसकी यहलोम यूनिट ने ताजा एनकाउंटर उत्तरी गाजा में हमास का मजबूत ठिकाना माने जाने वाले शुजैया इलाके में किया और हमास के दो लड़ाकों को मार गिराया। और सबूत के तौर पर इस एनकाउंटर का वीडियो भी जारी किया गया, क्योंकि इसराइल के मुताबिक हमास के लड़ाके सुरंगों में छिपकर बैठे हैं और इसराइल की सेना की यहलोम यूनिट को सुरंगों में जंग लड़ने में माहिर माना जाता है। और इसराइल ने दावा किया कि एनकाउंटर का ये वीडियो ऐसी ही एक जगह का है। वीडियो में साफ साफ नजर आया कि कैसे इसराइल की यहलोम यूनिट का एक सैनिक अकेले हमास लड़ाकों से भिड़ गया। उसने इमारत के अंदर घुसकर और बिल्कुल सामने खड़े होकर हमास लड़ाके को गोलियों से भून डाला। यानी इसराइल ने इस बार एक हमास लड़ाके के लाइव इनकाउंटर का वीडियो जारी कर दिया। इस वीडियो में कई ऐसे मौके आए जब देखने वाले चौंक जाएं, क्योंकि उस हमास लड़ाके को मारने के लिए अंदर घुसे सैनिक को अंदाजा नहीं था कि दुश्मन कहां छिपा है। लेकिन उसने खतरा मोल लिया और दबे पांव अंदर घुसा, क्योंकि अंदर से लगातार गोलियां चल रही थी। लेकिन यहलोम यूनिट के लड़ाके ने गोलियों की परवाह नहीं की। यही नहीं, वीडियो जारी करते समय इसराइल की सेना ने दावा किया कि हमास लड़ाकों से लड़ने वाला उसका सैनिक घायल था, क्योंकि इमारत के अंदर बैठे हमास लड़ाकों ने लगातार फायरिंग की। एक बार तो इसराइल के उस सैनिक को फायरिंग रोककर पीछे हटना पड़ा और वो दरवाजे से दूर हटकर पीछे बैठ गया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि उस इजरायली सैनिक की जान पर बनाई, क्योंकि इमारत के अंदर बैठे एक हमास लड़ाके ने उस पर बम फेंक दिया और ऐसा धमाका हुआ कि पूरी जगह धुएं से भर गई। धमाके के बाद हुआ धुआं इतना ज्यादा था कि कुछ देर तक इसराइल का वो सैनिक हिला तक नहीं। इस दौरान अंदर से गोलियां चलती रहीं और बाहर बैठे उस सैनिक ने कोई हरकत नहीं की। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो उठा, वो गोलियां चलाते हुए अंदर घुसा और दबे पांव आगे बढ़ा और अचानक उसका सामना अंदर मौजूद एक हमास लड़ाके से हो गया और उसने उस लड़ाके की आंखों में आंखें डालकर गोलियां चला दी। गोलियां चलाते ही ये सैनिक मुड़ गया और आगे की तस्वीरें रिकॉर्ड नहीं हो पाई, क्योंकि कैमरा उस सैनिक के हेलमेट में लगा था।